हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास ये देख लीजिए एक मॉडल है वीवो का U10। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसमें फोल्डर चेंज करेंगे, टच डिस्प्ले स्क्रीन का सोल्यूशन जानेंगे। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा का आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, और आपको प्राइस से रिलेटेड बात करेंगे, ओरिजिनल फोल्डर कॉपी फोल्डर की बात करेंगे। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। एक आप यही फ़ोन नहीं है, आपके पास कोई और फ़ोन है, कोई और प्रॉब्लम हो, किसी और चीज़ का रेट जानना हो, टच डिस्प्ले किसी और फ़ोन का, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपका रिप्लाई करूँगा दोस्तों। तो ये फ़ोन मैंने डिसेंबल करके रखा हुआ है पूरा। तो सबसे पहले दोस्तों फ़ोन को आपको ओपन करने के बाद इसका जो फोल्डर होता है वो निकालना है, और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से तो दोस्तों जो ये कैमरे के ऊपर जो जाली लगी हुई है, आप इसमें भी हल्का सा साइड में अच्छे से एकदम ग्लू डाल दीजिए, क्योंकि क्या होता है बाद में फोल्डर लगाने के बाद इसमें कैमरे में डस्ट वगैरह घुस जाती है, तो इसलिए आपको सिंपली दोस्तों ग्लू लगाने से पहले आपको फोल्डर चेक ज़रूर कर लेना है, क्योंकि मैंने चेक किया हुआ है ये, तो इसलिए मैं इसे ऐसे ही लगा ले रहा हूँ, तो आपको चेक ज़रूर कर लेना है जहाँ एक्स्ट्रा ग्लू है, आपको सिंपली फटाफट से क्लीन कर देना है। बैटरी टेढ़ी होगी तो निकालते टाइम दोस्तों हो ही जाता है थोड़ा बहुत टेढ़ा, तो आप इसे सीधा कर लीजिए। उसके बाद आपको सिंपली ये सारे नट लगा देने हैं। तो और उसके बाद सिंपली दोस्तों आपको इसका पत्ता लगा देना है फिंगरप्रिंट का। तो इस तरीके से आपको दोस्तों फ़ोन पैक कर लेना है, और उसके बाद ऑन करके चेक ज़रूर कर लेना है आपको। तो ये देख लीजिए ऑन हो रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल हो प्राइस से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। तो धन्यवाद दोस्तों।